नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बादलों के बारे में कि बादल कैसे बनते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। बादल कैसे बनते हैं? बादल तब बनते हैं जब हवा अपने ओस बिंदु तक ठंडी हो जाती है या संतृप्त हो जाती है। जिस बिंदु पर हवा अधिक जल वाष्प धारण नहीं कर सकती है और पानी की बूंदें संघनित हो जाती हैं। ऐसी कई अलग अलग स्थितियां हैं जिनके तहत ऐसा होता है, जिससे विभिन्न प्रकार के बादल उत्पन्न होते हैं। जिस बल से हवा ऊपर उठती है, स्थलाकृति, सतह की विशेषताएं और सतह पर और विभिन्न ऊंचाई पर तापमान उन कारणों में से हैं जो प्रभावित करते हैं कि बादल छोटा होगा या बड़ा, मोटा या पतला, सपाट या उबड़, और क्या यह वर्षा का उत्पादन करेगा। संवहनी बादल कैसे बनते हैं? संवहन बादल या क्यूमुलिफॉर्म बादल कपास के गोले की ढेर की तरह दिखते हैं। वे तब बनते हैं जब वातावरण में ठंडी हवा के माध्यम से गर्म आर्द्र हवा ऊपर उठती है। गर्म हवा से जुड़ी उछाल वस्तुओं के डूबने या उनके आसपास के घनत्व के अंतरण कारण उठने की प्रवृत्ति मजबूत अपड्राफ्ट को चलाती है। हवा में जल वाष्प के रूप में और भी अधिक उछाल पैदा होता है, जो बादल की बूंदों के रूप में संघनित हो जाता है, क्योंकि संक्षेपण गुप्त गर्मी एक चरण परिवर्तन के दौरान आवश्यक ऊर्जा, इस मामले में संक्षेपण को छोड़ता है। चलिए अब हम हमारे खुद के बादल बनाते हैं। तो बादल बनाने के लिए आवश्यक सामग्री: एक गिलास जग, गर्म पानी, एरोसोल और बर्फ के कुछ टुकड़े। प्रयोग: सबसे पहले जार को लगभग एक चौथाई गर्म पानी से भर दें। इसके बाद एक एरोसोल स्प्रे करें और जल्दी से जार के ऊपर बर्फ की ट्रे रखें और देखें कि जार के अंदर क्या होता है। निष्कर्ष: यह प्रयोग उन परिस्थितियों को पुनः पेश करता है जिनमें बादल बनते हैं, अर्थात सतह को गर्म किया जाता है, हवा की सबसे निचली परत ऊपर उठती है और हवा के ठंडे होने पर पानी गैस से तरल में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। माचिस से निकलने वाला धुआं संघनन नाभिक प्रदान करता है, जो छोटे कण होते हैं जिनके चारों ओर पानी की बूंदें बनती हैं। हम आशा करते हैं आपने कुछ नया सीखा होगा। धन्यवाद।